तो दोस्तों, प्री जजिंग ख़त्म हो चुकी है 2023 मेंस बॉडी बिल्डिंग मिस्टर ओलंपिया की। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कैसे सारे एथलीट्स दिखाई दे रहे थे। देखो, स्टार्टिंग यहाँ पर सबसे पहले होती है एंड्रयू जैक के साथ में। पहले एथलीट वही होती है जो निकल करके आते हैं, और उनकी फिजिक उस टाइम पर लग रही थी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट। और मेनली एक बात बताऊँ, शो से सबसे सारी चीज़ें छोड़ करके, सबसे पहले ये चीज़ थी कि जो लाइटिंग थी ना शो की, वो अगेन बहुत बुरी थी यार। कितनी बुरी लाइटिंग लग रही थी इसकी, मतलब वही डिस्को लाइट्स। क्या करके मानेंगे, मानते क्यों नहीं है ये लोग, समझ नहीं आ रहा। और जबकि कह रहे थे कि इस बार कुछ डिफरेंट करेंगे, लाइट्स पीछे से काफ़ी शांत रहेंगी ताकि एथलीट्स की बॉडी आगे दिखाई दे, लेकिन जब एथलीट आ रहा है पोजिंग करने के लिए, सोलो पोजिंग जब उसकी हो रही है, पीछे वही चमक धमक दिखाई दे रही है। हालांकि जब सारे एथलीट्स एक कॉल आउट के अंदर में थे, लाइनअप में लगे हुए थे, तब वो चीज़ फिर भी काफ़ी शांत थी। लेकिन इस तरीके से, पता है, मेनली हर एक इंसान को दिक्कत होती है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का पूरा एक्सपीरियंस ख़राब होता है। जो हम लोग देख रहे हैं वहाँ पर, फोटोग्राफर बैठ के फोटो खींच रहे हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, वहाँ पर हो सकता है पब्लिक को थोड़ा बहुत एन्जॉयमेंट आ रहा हो इस चीज़ से, लेकिन उसके अलावा सब लोगों का इससे एक्सपीरियंस सिर्फ ख़राब ही हो रहा है। तो मालूम नहीं चल रहा था कौन कैसा दिख रहा है। धीरे धीरे करके चीज़ों में क्लैरिटी और बड़ी लाइटिंग थोड़ी सी इन्होंने डल करी। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं अब स्टार्टिंग कैसे हुई। तो जिस तरीके से मैंने बताया, एंड्रयू जैक सबसे पहले दिखाई दिए, काफ़ी हद तक सेम दिखाई दे रहे थे वो, लेकिन ऐसा लग रहा था लीडिंग अप टू द शो, जैसे जैसे शो बढ़ रहा था आगे, एंड्रयू जैक की बॉडी थोड़ी टाइट होती जा रही थी और वो अच्छे दिखते जा रहे थे। उसके बाद में हसन मुस्तफ़ा वही सेम हैंगिंग मिड सेक्शन के साथ में दिखाई दिए, उनकी बॉडी वही सेम दिख रही थी। पोजिंग उनको करनी आती नहीं है और बड़ी चौड़ी वेस्ट, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं जिसकी तारीफ करी जाए, कुछ भी ऐसा नहीं जो उनकी बॉडी में चेंज हुआ हो। इसके बाद हमें क्रिजो देखने के लिए मिले, और माइकल क्रिजो वही फिजिक लेकर के आया जो हम उनसे देखने की उम्मीद कर रहे थे। क्योंकि क्रिजो की फिजिक जो थी ना इसके अंदर दोस्तों, वो थी एकदम रिब्ड। इस फिजिक में रिब्डनेस की कोई कमी नहीं थी, एकदम शार्प और बिल्कुल छिले हुए ये आए थे। इसके अलावा क्रिजो के साथ थोड़ी सी ये दिक्कत हो रही थी कि बैक डबल बाइसेप जब वो हिट कर रहे थे, तो उनकी उनकी बैक उतनी ज़्यादा वो खोल नहीं रहे थे। लेकिन अगेन उनके ग्लूट्स में जिस तरीके से रिबनेस थी, वो लाइंस पड़ रही थी, पता लग रहा था ये एथलीट किस लेवल की कंडीशनिंग में आया। लेकिन मुझे हल्के से ना, ये हल्के से फ्लैट भी दिखाई दिए क्रिजो। इनकी चेस्ट आमतौर पर काफ़ी ज़्यादा फुल रहती है, तो वो चीज़ एकदम सामने से देखते लग रहा था कि बॉडी में थोड़ी सी एक फ्लैटनेस है। तो क्रिजो श्रेडिड थे, अगेन हल्के से फ्लैट थे, लेकिन अच्छी बात है कि मेन है कि बॉडी एकदम पीक करके वो आए थे। सैमसन दौदा इसके बाद हमें देखने को मिले, और सैमसन भी वही चमकती धमकती लाइटिंग के बीच में, कुछ खास समझ नहीं आ रही थी उनकी फिजिक कैसी है। लेकिन एकदम से जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ा था वो ये था कि काफ़ी बड़े राउंड इनके शोल्डर्स हो गए, लेग्स काफ़ी ज़्यादा बड़े दिख रहे थे, ओवरऑल पूरे बीस्टी लुक के साथ आए थे। और वैसे भी यार 300 पाउंड्स के आसपास का बॉडी बिल्डर लगेगा ही वैसा साइज़ में, तो ये बहुत ज़्यादा बड़े दिखाई दे रहे थे सैमसंग। और सैमसंग ने ना अपनी पूरी फिजिक को काफ़ी अच्छे से होल्ड करके रखा हुआ था पूरे लाइनअप, पूरे कॉल आउट्स के दौरान, मतलब बहुत कंट्रोल करके पोजिंग कर रहे थे वो। हालांकि एंड में क्या हुआ, उनके काफ़ी ज़्यादा पसीने छूट गए और बॉडी ने वाटर निकालना शुरू कर दिया, वो सब हम बात करेंगे अभी कॉल आउट्स वाले सेक्शन में। लेकिन कुल मिला के सैमसन दौदा के अंदर साइज़ में इंप्रूवमेंट था, जो हमने उनको देखा था अभी लास्ट आर्नोल्ड क्लासिक में। उससे रीगन ग्राइम्स की बात करते हैं। इसके बाद हमें रीगन ग्राइम्स दिखाई दिया, और रीगन काफ़ी ज़्यादा लगे श्रेडिड, पीछे से उनकी बैक और ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग्स बहुत अच्छे थे। रीगन ने पीक करा एक्चुअली में, कोई सॉफ्टनेस नहीं थी फिजिक में, हालांकि फ्रंट से वही बॉडी उनकी फ्लैट फ्लैट ही दिखती है। लेकिन अगेन रीगन ग्राइम्स पे अपनी तरफ से जितने अच्छे आ सकते थे वो भी पीक होकर के आए हैं। कोई ख़राब फिजिक किसी की भी देखने को अभी तक नहीं मिली, एक्सेप्ट हसन मुस्तफ़ा। तो इस तरीके से चीज़ें रही, एंड्रयू जैक का मैंने बताया। इसके बाद बात आती है फाइनली द मेन चैम्प, तो नहीं बोलूँगा लेकिन टॉप टू एथलीट में आने वाले पिछले साल डेरेक लंसफोर्ड की। तो डेरेक लंसफोर्ड इस साल दिखाई दिए कम्प्लीटली चेंज्ड बॉडी के साथ में, और जैसे ही आए ना पोजिंग करने के लिए, उससे पहले ही अंधेरे में खड़े खड़े उन्होंने फ्रंट डबल बाइसेप हिट किया। अकेले वो एक ऐसे एथलीट थे जो अंधेरे में किसी तरीके की एक पोजिंग करके चल रहे थे, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे अपने अंदर, देखो मैं ये हूँ और मैंने अपने आप को इस तरीके से इस बार बदल दिया है। डेरेक की बॉडी थी कम्प्लीटली चेंज्ड, क्योंकि उन्होंने एक साल के अंदर अंदर न्यू मसल्स पुट ऑन करी। उनका जो लोअर एब्डोमिन था ना साइड ट्राइसेप करते वक्त, वो हल्का सा डिस्टेंडेड दिखाई दिया, बिकॉज एकदम से कोई बॉडी बिल्डर ज़्यादा ही मसल्स पुट ऑन करता है, हमेशा की बात देखी गई है कि वेस्ट उसकी उस तरीके से कभी भी कसी हुई नहीं रहती है, कोई भी दुनिया का एथलीट हो। लेकिन उसके अलावा जैसे ये एथलीट पलटा ना, इसने अपना बैक पोज मारा, ख़त्म, सब कुछ तबाह कर दिया। एक इकलौते, मतलब होता है ना कंपटीशन, वन साइड कर दिया वो, और लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी मेरे को। मैंने कहा यार ये ही है सबसे बेस्ट बैक और सबसे बेस्ट ग्लूट्स इस गेम के अंदर, इस एथलीट को बैक शॉट्स में कोई हरा दे
वो हो नहीं सकता। और डेरेक की बैक जो उन्होंने इस साल ग्रो करी है ना, जो मास ऐड करा है, वो दिखाई दे रहा था इन सारे ही पोजेज में। पहले इन्होंने बैक डबल हिट किया, उसके अंदर बहुत ज़्यादा थिकनेस फाइबर्स दिखाई दे रहे थे, मसल ओवर मसल दिखाई दे रही थी, और रिबनेस उनके ग्लूट्स की अलग ही चमक रही थी। उसके अलावा जब बैक लेट स्प्रेड करते हैं तो बैक इतनी ज़्यादा वाइड खुल जाती है कि यार समझ आ जाता है इतनी वाइड बैक भी किसी की नहीं हो सकती। डेरेक खा गए बैक शॉट्स के अंदर। फ्रंट शॉट में उनकी चेस्ट भारी हो चुकी है पहले से, उनके शोल्डर्स राउंड हो चुके हैं पहले से, और ओवरऑल उनके लेग्स वगैरह भी अब काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में आ रहे हैं फ्रंट बॉडी से। तो बॉडी आगे से भी काफ़ी ज़्यादा मास पुट ऑन, फुलनेस पुट ऑन करके चल रही है डेरेक के अंदर। ये बहुत अच्छा चेंज था, इसलिए नई मसल्स थी ना तो काफ़ी अलग दिखाई दी, और उनके चेस्ट में हल्के से फाइबर्स भी पहले से ज़्यादा दिख रहे थे, बिकॉज चेस्ट के अंदर अब मास इंक्रीज करा है उन्होंने, और उसी के साथ में उनके बाइसेप्स भी ज़्यादा बड़े दिखाई दिए, ज़्यादा फुल दिखाई दे रहे थे, और फाइबर्स चेस्ट में इसलिए भी नज़र आ रहे थे बिकॉज हैनी रंबॉट जिस किस्म की ट्रेनिंग करवाते हैं ना FST7, उसके अंदर वो एक एक मसल फाइबर को हमेशा कोशिश करते हैं कि रिक्रूट हो, बार बार ट्रेनिंग के बीच में पोजिंग करवाने का मकसद यही होता है। तो वो चीज़ें धीरे धीरे करके बढ़नी शुरू हो गई है, ये मैच्योरिटी और इंक्रीज़ होगी आने वाले सालों में, पर डेरेक अब आते जा रहे हैं उस लेवल पे जहाँ पर इनको ज़रूरत थी आने की, पर अभी टाइम है वहाँ तक। एक बेस्ट डेरेक लंसफर्ड को देखना फ्रंट बॉडी से, आर्म्स शोल्डर्स चेस्ट के अंदर से, जो हम हार्डी शुपन के अंदर आज देख लेते हैं, वो कई सालों की मैच्योरिटी के बाद ही देख सकते हैं। तो इसलिए डेरेक आ तो रहे हैं उस लेवल पर धीरे धीरे करके, ये देखने में पता लगा, और इम्प्रूव्ड थे, बिल्कुल चेंज्ड थे पिछले साल से। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके बाद अगले एथलीट, यहाँ पर आए ब्रेंडन करी, और करी को तो ऐसे देख करके लग रहा था कि यार ये 2011 के ब्रेंडन करी आ गए हैं, क्योंकि अकेले ये एक ऐसे एथलीट थे जो स्मॉल वेस्ट के साथ आए, लेकिन पूरी की पूरी बॉडी भी उसके साथ में स्मॉल थी। इनके शोल्डर्स, इनके आर्म्स बहुत छोटे थे, स्पेशली इनका ट्राइसेप बहुत छोटा लग रहा था, और वेस्ट इनकी एक बार भी ऐसा नहीं था कि इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ी, वो पहले ही इतनी स्मॉल थी, इतनी अच्छी लग रही थी, लेकिन एट द सेम टाइम वही है कि बॉडी में सॉफ्टनेस भी बहुत ज़्यादा थी, चेस्ट फ्लैट भी बहुत ज़्यादा थी, और सारे पोजिज़ के अंदर वो बहुत छोटे छोटे दिख रहे थे। लग रहा था कि ब्रेंडन 7th, 8th, 9th नंबर पर कहीं ना कहीं आएंगे, या फिर जजेज इनको सेकेंड कॉल आउट मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरप्राइजिंगली कॉल आउट जब पहला हुआ ना, तो ब्रेंडन करी को उसके अंदर लाया गया, और करी के लिए सबसे बड़ी बात थी, बिकॉज वो अभी अभी उठ के आए हैं इस प्रॉब्लम के साथ में। अब पता लग रहा है कि ब्रेंडन करी के साथ में एक्चुअली में अल्सर्स की प्रॉब्लम थी, और ये प्रॉब्लम मुझे लग रहा था यार या तो अल्सर की होगी या फूड पॉइजनिंग की होगी, लेकिन उन्होंने क्लियर करा अल्सर की प्रॉब्लम थी जिसके चलते वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे, और डेफिनेटली कार्ब लोडिंग वो कर नहीं पाए। अब जहाँ तक है ये एज्यूम करके हम चलेंगे ही चलेंगे, और बहुत ही क्लियर एजम्पशन है ये कि कल तक वो अच्छे खासे राउंड हो जाएंगे कार्ब लोडिंग करने के बाद में, और होना चाहिए यार, इतना एथलीट अगर फ्लैट आएगा तो कल तो डेफिनेटली थोड़ा सा राउंड वो आने ही आना उसको चाहिए। देखते हैं करी किस तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं, लेकिन अभी तक लग रहा है करी ने हर एक चीज़ बड़ी सही से मैनेज कर ली। जिस हिसाब से प्रॉब्लम उनके साथ में रही है ना, उनकी बॉडी उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई, डेफिनेटली वो एक छोटे हो गए हैं, जिस तरीके से फिल हीथ का भी हुआ था 2009 में, छोटा हो जाना, स्क्वीज हो जाना, नैरो हो जाना, वही करी के साथ में भी हम देख रहे हैं, लेकिन कंडीशनिंग उनकी हमेशा इसी किस्म की रहती है। इसके बाद अगर बात करी जाए हंटर लब्राडा की, तो हंटर लब्राडा काफ़ी अच्छे दिखाई दिए, उन्होंने भी अपनी फिजिक मेंटेन्ड रखी, गट उनका कंट्रोल रहा पूरे के पूरे पोजिंग के बीच में, कहीं पे भी उन्होंने हैंग नहीं होने दिया अपना मिड सेक्शन, ये सबसे बड़ी बात थी। तो हंटर ओवरऑल अच्छे दिखाई दिए। थियो लिक्वेरियर की अगर हम बात करें, तो थियो इसके अंदर दिखाई दिए एक अच्छी फिजिक के साथ में, अगेन थियो ने भी अपनी फिजिक को कसकर लाने में और पीक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उनकी फिजिक में अच्छे फाइबर्स आ रहे थे, और शार्प उनकी चेस्ट थी, मतलब थिक फाइबर वाली जो चेस्ट होती है ना साइड चेस्ट करते वक्त, वो दिख रहा था थियो के अंदर, वो एक खूबी है उनकी बॉडी की, और ओवरऑल एक अच्छी बॉडी, कंप्लीट बॉडी आप कह सकते हो, बैलेंस्ड बॉडी थी उनकी। इसके बाद में आते हैं फाइनली हमारे चैम्प, रेनिंग चैम्प हार्डी शुपन, और हार्डी जैसे ही निकल करके आए ना, तो एक बार को तो लगा यार ये इतना वाइड मिड सेक्शन का कैसे हो गया, लेकिन जब निगाह पड़ी उनके लेग्स पे तो लगा वही पुराने हार्डी शुपन के लेग्स वापस आ गए जो हमने 2019 में देखे थे ना नाथन डियाशा के साथ जब इन्होंने एक प्रो शो में कम्पीट किया था। तो हार्डी के पास लेग्स में जो जैसे ये साइज़ वापस आया ना इस साल, तो क्रॉस ट्राइशंस भी आउटर स्वीप में दिखाई देने लग गए। एट द सेम टाइम हार्डी शुपन की चेस्ट पहले से भी और थोड़ी सी भारी दिखने लग गई, शोल्डर्स जिसके लिए उनको पिछले साल बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया था कि भाई ये तो बहुत अजीब टाइप के पॉइंटेड टाइप के शोल्डर्स हैं, लग रहा है इन्होंने इसमें सिंथॉल मारा हुआ है, वो शोल्डर्स इस बार बहुत ज़्यादा राउंड दिखाई दिए। लग रहा था कि हार्डी शुपन ने भी नई मसल्स पुट ऑन करी हैं, और ओवरऑल जैसी मोस्ट मस्कुलर वो मार रहे थे ना, इस मोस्ट मस्कुलर का तो कोई जवाब किसी के पास नहीं था। इतने अच्छे चेस्ट में फाइबर्स, इतने राउंड 3D डेल्ट्स, आर्म्स बिल्कुल कंप्लीट। मैं सही बताऊँ सिर्फ बैक शॉट्स को निकाल दो, क्योंकि बैक शॉट्स में डेरेक लंसफर्ड उनसे ऊपर है, बट उसके अलावा हार्डी शुपन सबसे अच्छे दिखाई दिए।
हार्डी शुपन मेरे हिसाब से चैंपियन बनने चाहिए, ये मैं अभी कॉल आउट पे आने से पहले ही बता रहा हूँ आपको। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट कॉल आउट की, और जल्दी से मैं ख़त्म करूँगा बिकॉज ना अगली वीडियो में लाने वाला हूँ लास्ट कॉल आउट के ऊपर, जिसमें इन तीनों एथलीट्स हार्डी, सैमसन, डेरेक का कंपैरिजन कराया गया। फिलहाल हम बात करते हैं फर्स्ट कॉल आउट में कौन कौन सेलेक्ट हुआ। तो सरप्राइजिंगली जजेस ने यहाँ पर ले लिया ब्रैंडन करी को, जिनकी मुझे उम्मीद कम लग रही थी आने की, क्योंकि वो बिल्कुल स्क्वीज्ड आउट करी थे। इसके बाद डेरेक, हंटर, एंड्रयू, हार्डी और सैमसन, ये सब लोग आए, और हार्डी और सैमसन काफ़ी देर तक मिडिल में खड़े रहे। उसके बाद में फिर हार्डी और डेरेक मिडिल में आ गए, तो यहीं से क्लियर होना शुरू हो गया था कि ये तीनों एथलीट्स का कंपैरिजन चलने वाला है आने वाले कॉल आउट्स में। तो इस तरीके से जजेस ने पूरा का पूरा कॉल आउट करवाया फर्स्ट, और हार्डी, डेरेक और सैमसन को बीच में खड़ा रखा। शुरू में तो सैमसन काफ़ी अच्छे दिख रहे थे, काफ़ी बड़े दिख रहे थे, और लग रहा था भाई ये आ सकते हैं सेकंड, फर्स्ट भी आ सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके ना जैसे कंपटीशन बढ़ता है, बॉडी चेंज होने लगती है सब एथलीट्स की, और जिसकी बॉडी सबसे ज़्यादा टिक के रहती है ना, वो कंपटीशन का विनर बन के निकलता है। इस कॉन्टेस्ट में हार्डी और डेरेक की बॉडी टिकी रही कॉन्टेस्ट के एंड तक भी, बिल्कुल ऐसे ही दिखते रहे जैसे कि वो बिल्कुल पहले दिखाई दिए थे अपने सोलो पोजिंग के अंदर। लेकिन सैमसन की बॉडी हो गई चेंज, सैमसन की फिजिक ना धीरे धीरे करके अंदर से पानी निकालने लग गई, उनकी फिजिक सॉफ्ट होने लग गई। शुरू में जो फुलनेस, जो साइज़ उनके अंदर दिख रहा था ना, वो हर एक पोज में बहुत बड़े दिख रहे थे हार्डी और डेरेक से। इवन सैमसन बैक के पोजेज में भी डेरेक के काफ़ी कंपेरेबल लग रहे थे, मतलब डेरेक से तो काफ़ी नीचे हैं बैक के शॉट्स में, लेकिन फिर भी जैसे जैसे कॉन्टेस्ट एंड होता गया, डेरेक एक अपनी काफ़ी ज़्यादा लीप बना गए। एंड में आते आते बता दिया डेरेक ने कि कंसिस्टेंसी होल्ड करके रखना किसे कहते हैं। हार्डी ने भी बता दिया कि कंसिस्टेंसी पकड़ के, बॉडी को पकड़ के रखना किसे कहते हैं। तो इस चक्कर में इन दोनों एथलीट्स ने, मुझे ऐसा लगता है कि बाजी मार ली होगी प्री जजिंग के अंदर अंदर। फिलहाल ये इनका कॉल आउट हुआ। उसके बाद एक कॉल आउट और हुआ यहाँ पर, जिसके अंदर में जजेस ने ब्रैंडन, एंड्रयू, हंटर और क्रिजो को लेकर के वो लोग आए। इसका मतलब यहाँ से क्लियर हो गया था कि हार्डी, सैमसन, डेरेक तीनों एक कॉल आउट में चले गए हैं और टॉप थ्री के लिए सेलेक्ट हो गए हैं। तो फोर्थ नंबर से ये स्टार्टिंग थी सारे एथलीट्स की, जिसमें कि ये चार एथलीट्स लिए गए, ब्रैंडन, एंड्रयू, हंटर, क्रिजो। इसके बाद में देखा गया इन सारे लोगों का कंपेरिजन, ब्रैंडन और एंड्रयू को बीच में रखा गया। क्रिजो जो थे उनके लेग्स शेक कर रहे थे इस कॉम्पिटिशन के दौरान, और यही देखा गया कि ब्रैंडन बहुत ज़्यादा फ्लैट फ्लैट थे, थोड़ी सी बॉडी उनकी भी हल्की सी टाइट होने लग गई थी, लेकिन उनसे बहुत अच्छे लग रहे थे एंड्रयू जैक्ट इस कॉम्पिटिशन। मेरे हिसाब से एंड्रयू को फोर्थ आना चाहिए, पर जजिस के लिए, मुझे जजिस का देख करके लगता है कि वो अभी भी ब्रैंडन करी को फोर्थ पे डाल सकते हैं। तो वही है, ब्रैंडन और एंड्रयू का तो मुकाबला होना ही था, प्रिडिक्शन में भी हम लोग जानते थे कि इन दोनों को ही बिल्कुल साथ साथ में रहना है। तो अभी के लिए यही हो रहा है, ब्रैंडन, एंड्रयू, कोई भी फोर्थ आ सकता है, कोई भी फिफ्थ आ सकता है, लेकिन इनमें से कोई ना कोई एक आएगा ज़रूर। बाकी आपको क्या लगता है फोर्थ नंबर पे किसको आना चाहिए? मैं जेन्युइनली एंड्रयू जैक को आते हुए देखना चाहता हूँ। एंड्रयू उनसे मच शार्पर है, मच कंप्लीट है, हर तरीके से ज़्यादा अच्छी फुलनेस कैरी कर रहे हैं, और बहुत तगड़ा सेपरेशन दिखा रहे हैं हर एक मसल में। तो मेरे हिसाब से वो डिज़र्विंग है, लेकिन देखते हैं कल क्या होता है। फिलहाल लास्ट कॉल आउट सैमसन, डेरेक और हार्डी का रहा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे आने वाली वीडियो में। तो अभी के लिए तो यही था पूरा का पूरा प्री जजिंग मेंस ओपन का, और इसके बाद में कई सारी वीडियोज़ आज में आने वाली, एक तो आई चुकी है 212 वाली, और अभी चार वीडियोज़ और आने वाली है। बस दोस्तों, अब मिलते हैं एक नए वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।